तो जी यहाँ पे होती है हमारी रोशन सुबह की शुरुआत। तेरा कोई कारोबार नहीं है का? दफा हो जाए तो। देखे हसन साहब, ये बंदा सिर्फ हमारे साथ सामान उठाने के लिए गया है और सामान उठा के आया है। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ये नींद फरमा रहा है। ऐसा लग रहा है सदियों को थका हुआ इंसान सो रहा हो, तो मुंह भी खुला हुआ था, हमने मुंह बंद किए, बालों की हालत आप देख सकते हैं। तो जी यहाँ पे होती है हमारी रोशन सुबह की शुरुआत। पीछे आप देख सकते हैं कितनी सारी धूप निकली, सनी सनी से एकदम है, लेकिन हर सुबह अच्छी नहीं होती गाइस, कुछ ना कुछ हो ही जाता है हर दिन। और हम बोलते हैं कि हमारा हर दिन बहुत ज़्यादा गंदा गया है, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे आज का मौसम। तो आप सबको मैं वही बोल रहा था, सर भी आ चुकी है, लेकिन सर यहाँ कराची को तकलीफ नहीं करते, जितना बाकी जगहों को कराती है। ठीक है, अभी इसके बाद मैं जाऊँगा नीचे और फिर देखते हैं क्या क्या होता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ आप। पराठों का प्लान तो कैंसिल हो गया, क्योंकि हमने कल रात को मंगाई थी तंदूर की रोटियां, और अभी सब वही कह रहे हैं कि हमें वही गर्म करके खानी है। लेकिन कौन कौन तंदूर की रोटियां रात की बची हुई सुबह गर्म करके नाश्ते में खाते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में। दोस्तों तो अभी मैं स्कूल से आ चुका हूँ और कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन गाइस कल इतना कुछ खास नहीं हुआ जो मैं शूट करूँ। तो मैं अभी स्कूल से आया हूँ और अभी जस्ट मैंने वापसी दोबारा नाश्ता किया है, और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब कि मेरी सिस्टर्स वगैरह को, अम्मी को कुछ क्रीम्स एंड स्किन प्रोडक्ट लेने थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इनके साथ निकल जाऊँ थोड़ा। तो जो भी इधर होगा आई विल शूट दिस फॉर यू। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले कुछ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बाय किए थे जिनकी मुझे डिलीवरी हो चुकी है, तो मैंने उनकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई। तो आप सबसे पहले एक एक करके उन तीनों की अनबॉक्सिंग की वीडियो देखिए। लोगों ने स्टेटर मंगाया है और आज इसकी डिलीवरी हो चुकी है, तो देखते हैं कैसा आया है। और ये फ्रॉम लाहौर से आया है, ऑर्डर किया हमने, ये देखिए, ये देख सकते हैं ये रही इसकी पैकेजिंग। और ये देखिए ये रहा स्ट्रेटनर, तो ये कैमआई की तरफ से है। तो जी गाइस फिर उसके बाद मैंने मंगवाई है एक प्यारी सी सिंपल सी हुडी, तो आप पहले उसकी भी अनबॉक्सिंग की वीडियो देख लें। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन खान। तो मेरा बहुत दिनों से मन था अपने लिए एक अच्छी सी हुडी ऑर्डर करने का, इंस्टाग्राम पे एक पेज देखा जिसका नाम है exquis.pk। तो गाइस यहाँ पे जितनी भी हुडीज थी वो मेरे को बहुत पसंद आई और मैंने रिव्यूज देखे जो काफ़ी अच्छे थे, तो इसलिए मैंने वहाँ से अपने लिए एक हुडी ऑर्डर की है जो कि आज डिलीवर हुई है। तो अब खोल कर देखते हैं कि जो मैंने पार्सल ऑर्डर किया है क्या वही है या नहीं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर मैंने अपना पार्सल ओपन कर दिया है। तो भैया देखो यहाँ पे जो मैंने कलर ऑर्डर किया था ये बिल्कुल सेम वही कलर है। अब पहले मेरे को डर लग रहा था कि अगर वैसा नहीं है तो क्या होगा, लेकिन और मेरे को थोड़ी बहुत क्वालिटी की भी फिक्र थी, लेकिन क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता कि कभी मेरी मामा को भी फैब्रिक पसंद नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, लेकिन अदरवाइज़ क्वालिटी वॉज नाइस। तो दोस्तों ये मैंने मम्मा के लिए एक पार्सल ऑर्डर किया था जो कि मुझे जस्ट अभी ही रिसीव हुआ दराज से, तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। वैसे मैंने ऊपर थोड़ा सा उसको काट दिया ताकि ओपन करने में आसानी हो, तो चलिए ओपन करते हैं। ये है एक चॉपर और इसके अंदर ये इसके ब्लेड्स वगैरह लगे हुए हैं, इसको ओपन करते हैं। अब इतने ओपन कहाँ से होगा, कहते हैं इसको यू घुमाएंगे शायद। सो ये इसके अंदर का सरफेस और ये देखिए ये इसके ब्लेड्स, ठीक है, अच्छी क्वालिटी इसकी, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। और ये दराज जा रहा है सिल्क के ऊपर से रही थी, तो जो स्ट्रेटनर और ये चोपर ये हमने दराज जा रहा सिल्क की। मैं अभी इस मौसम के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, मौसम बड़ा सुहाना है, सपना है सच है अफसाना है, धूप में भी हमको नहीं लग रही गर्मी, ओ ओ। तो गाइस जो लोग भी देख रहे हैं मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, जिन जिन के कान से फ़ोन निकला, सो आई एम रियली सॉरी, इतनी बदसूरत है मेरी। तो ये चील इधर कब से बैठी हुई है, ए जुल
तेरा कोई कारोबार नहीं है का? दफा हो जाए तो। इधर बैठा है वह चील और इधर से दूर से उतर के नमें तोतो मैनो कवो शवो जितनी भी फीमेल्स बर्ड्स हैं उन सबको ताड़। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं जो पर चील के लिए ब्लॉग भी बना रहा था तो मैंने ब्लॉग बना के देखा तो मैं मेरी पड़ोसी नहीं मतलब के हमारे जो नेबर में सामने खिड़की है वहाँ से एक लड़की मुझे देख रही गई। इतनी शर्म भाई मेरे को, इतनी शर्म भाई मैं शर्म से पानी पानी हो गया गाइस। तो गाइस आज मैं अपनी ये वाली हुडी पहन रहा हूँ जिसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने आपको दिखाई है। तो गाइस ये देखिए एकदम आपको एक दफ़ा फिर खोल के दिखा दूँ। सो आज से हम बाहर जा रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ये वाली हुडी देखूँ नहीं मेरे मतलब ये हुडी पहन लूँ। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और लिबास अभी निकलेंगे और ये देखो ये लोग अभी तक रेडी नहीं। और देखो हमारा क्या है हम लोग कुछ भी पहनते हैं कहीं भी बस निकल लेते हैं और इनके तहत सोचने लोग अभी तक रेडी नहीं। जो भाई चल रहा नहीं जल्दी चलो। मैं तो रेडी खड़ी हूँ। हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग। अभी तो ये देखिए ये रेडी खड़ी है सिर्फ बाकी वो दोनों अभी भी तैयार नहीं हुए। अभी भी नहीं हूँ और मैं देखो मैं बस फौरन तैयार हो जाता हूँ ज़रा तक बस कपड़े पहनना और बस तैयार। सो गाइस अब हम हाइपर यानी डोमिन मॉल के अंदर इंटर हो चुके हैं लेकिन भाइयों मुझको इतनी शर्म आ रही थी ना सबके सामने ब्लॉगिंग करते हुए मैं क्या बताऊं। तो गाइस अंदर इंटर होते साथ ही हम लोग सबसे पहले अम्मी लोग गए इधर क्या नाम है स्क्रीन प्रोडक्ट वाली साइड पर इधर ग्रोसरीज वगैरह यानी कि कारफोर साइड पर यहाँ पर ग्रोसरीज लोशन क्रीम्स एंड हर टाइप के कॉस्मेटिक्स वगैरह मिलते हैं। तो ये लोग अपनी कुछ स्किन से रिलेटेड चीज़ें ले रहे थे और फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ शायद मैंने तरह की गलती कर दी अपने पेड़ पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी क्योंकि मेरे तरह कोई काम नहीं था और मैं ऐसे ही ब्लॉग दिखे मैं तो पॉइंट पर आते हैं तो मैं उधर ऐसे ही बोर हो रहा था और फिर मुझे लगा कि हाँ मैंने गलत किया। और ये देखिए इस क्लिप में भी मैं यही कह रहा हूँ कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ और ये लोग अपने अपने उसमें लग गए हैं और कोई मुझसे बात नहीं कर रहा और मुझे कोई अटेंशन नहीं दे रहा और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। या चलो भाई लग जाओ ड्यूटी पर। तो गाइस मेरे घर वाले शॉपिंग कर रहे हैं मुझे इतना भारी सामान पकड़ा दिया है और पता नहीं अभी लोग कहाँ जा रहे हैं बस मुझे पागल कर दिया। जिसको चॉकलेट खानी है वो बिल्कुल ना आए। तो भाई यहाँ पर हमारी बिलिंग हो रही थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम प्रोडक्ट रह गए थे तो मेरी आपियों ने जाके होस्ट किया और फिर कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो गाइस ये देखिए ये रहा कैमरा और गाइस कैमरे के सामने खड़े थे द मोस्ट फेमस एक्टर ज़ुहाब खान। गाइस वहाँ पर बाहर कुछ शूटिंग चल रही थी उनके ऐड की। तो गाइस अभी हमारी मुलाकात हुई थी ज़ुहाब खान से जो कि गाइस पाकिस्तान के बहुत ही फेमस एक्टर हैं और इन्होंने गाइस बचपन से ही पाकिस्तान इंडस्ट्री में काम किया है लेकिन गाइस उधर शूटिंग चल रही थी तो गाइस इस वजह से हम उधर सेल्फी नहीं ले सके वरना तो गाइस मैं सेल्फी ज़रूर लेता। इन्होंने जितनी भी शॉपिंग की उन्होंने सारी मेरे सर पे डाली। तो गाइस ये देखिए ये रहे हम तीनों सिबलिंग्स में और मेरी दोनों बहनें और हम लोग इधर बैठ के बहुत सारी मस्तियों शरारतें कर रहे थे। सो जी भाइयों तो अभी है एग्ज़िट का टाइम और अभी हम लोग डोमिन मॉल से निकल रहे हैं। हमें जो अपनी ज़रूरत का सामान लेना था और जो यहाँ था वो हमने यहाँ से ले लिया बाकी अब रास्ते में आता है इम्तियाज़ और चेज़ब तो क्योंकि हमें अभी आप ही के शूज़ भी लेने थे तो वी आर लिटिल बिट कन्फ्यूज बिटवीन चेज़ब एंड इम्तियाज़ के सबसे पहले किस में जाएँ। सो कभी हमारा प्लान बन रहा है कि चेज़ब जाएंगे फिर कभी हमारे इम्तियाज़ जाएंगे बिकॉज दोनों ही रास्ते में आते हैं तो फिर देखते हैं अभी हम कहाँ जाते हैं। और बाकी यहाँ से जो लेना था तो वो तो हम लोगों ने ले लिया है बस आ गए हैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट क्योंकि हमें हाइपर स्टार से जो चीज़ें लेनी थी हमने ले ली हैं और चीज़ें रह गई हैं तो
अभी वो लेना आप इधर आए हैं तो चलिए बात करते हैं। एक और टीम हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि हम उससे मिले हैं, वो बहुत बड़ा एक्टर है और उसने पिज्जा ड्रामा किया है अभी हाल ही में दुआ पार्ट, और वहाँ पर उसका कुछ सीन चल रहा था उसने कैप्चर किया था। बड़ा हसीन शाम हमारी अम्मी आगे आगे जा रही है और हम उनके पीछे लाइन बना दुनिया से बेखबर और हम उनके पीछे लाइन बना बना कर जाएंगे ऐसे फिर आवाज आएगी रोड क्रॉस करने जल्दी आओ। नहीं अब सीधे जाना है रोड क्रॉस अब नहीं करना। जिस तरह की ब्रेक आज मेरी लगी है ना उस तरह की गाड़ियों की मेरी लगती है। आपको अपनी औलाद की फिक्र नहीं है, एक नहीं तीन तीन औलाद है साथ है। उनको बोल बोल कर चल रही हूँ जिस रफ्तार से चल रहे करेंगे। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं चेजब। गाइस इम्तियाज नहीं गए, इम्तियाज का प्लान कैंसिल हो गया तो इसे चेजब आ गए। तो गाइस अब हम इंटर हो चुके हैं चेजब के अंदर और गाइस इंटर होते साथ ही इन्होंने मेरे को मेरी नौकरी दे दी है। तो गाइस मेरी जॉब लग गई है फिर से, वही बास्केट पकड़ के इनके पीछे पीछे चले और ये लोग भाई अपनी ऐश में और मैं इनके पीछे ऐसे पागलों की तरह बास्केट ले लेके फिरूं और जो जो इनको प्रोडक्ट पसंद है वो डालते जाओ और मैं लेके भागता जाऊं। हम मेल्ट है, बिल्कुल मेल्ट है यहां। तो गाइस ये देखिए ये रहे वो जॉगर्ट से कलेक्शन जो कि आप ही को पसंद आ रहे थे। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर आपी मम्मा और बड़ी आपी अपने अपने शूज़ ट्राई कर रहे थे लेकिन जो बड़ी आपी हैं उनको कोई ख़ास जॉगर या फिर फ्लैट वगैरह पसंद नहीं आ रही। इसकी खुशबू कैसी लगी? नाइस, नॉट सो गुड। ये इसकी ज़्यादा अच्छी है, इस वाले की इसकी ज़्यादा अच्छी है। नहीं जो सामान लिया है ठीक है तो हम उसकी बिलिंग कर रहे हैं, बिलिंग सेक्शन पे आए हैं चार्जर में। हमने जो स्लीपर्स वगैरह परफ्यूम्स वगैरह लिए हैं और ऑयल लिए हैं हम अचानक रात हो गई है और अभी उधर देखो और उधर सीढ़ियों पर भी रात हो गई मतलब हर जगह रात और अभी हम जा रहे हैं घर संभल के संभल के संभल के तो अभी हम जा रहे हैं। Over the ही कुकिंग स्टार्ट कर दी। सो इधर आप ही मेरे चावल साफ कर रही हैं और इधर आप ही आलू पील कर रही हैं और इधर मम्मा भी प्याज वगैरह काट रही हैं ताकि क्योंकि सारे थके हुए हैं तो सब कुछ। मैं चाहती हूँ ये देखें हसन साहब, ये बंदा सिर्फ हमारे साथ सामान उठाने के लिए गया है और सामान उठा के आया है, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। ये नींद फरमा रहा है, ऐसे लग रहा है सदियों को थका हुआ इंसान सो रहा हो। तो मुँह भी खुला हुआ था, हमने मुँह बंद किए, बालों की हालत आप देख सकते हैं। मेरा भाई बेचारा थक चुका है, सबने खाना वगैरह खा लिया है और मैं भी अभी उठ चुका हूँ। आई मीन उठा फिर खाना वगैरह खा लिया और मेरे को भी फ्लू स्टार्ट हो गया है। सो आई थिंक यहीं पर होता है मेरे आज के ब्लॉग का एंड। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पर लास्ट भी कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो है आपको सबसे पहले पता चल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, फिर मिलेंगे दोबारा।